इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। फेस इस्लामिक कल्चर कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। फिक्की के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी दिल्ली सरकार के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी ने की। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, गाजीपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन चौधरी रियासत अली, फिक्की के सलाहकार हाफिज सलीम अहमद, मोहम्मद इलियास सैफी, हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, फिक्की के फाइनेंस डायरेक्टर शबाना अजीम, शकील अंजुम मोहम्मद आलम, डॉक्टर अंजारुल हक, हाजी मुबीन अंसारी, जावेद अनवर, सीनियर जर्नलिस्ट मुस्तकीम खान, जावेद रहमान, मोहम्मद फजील, समाज सेवी सलीम मलिक, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आलमगीर, मुमताज अली चिश्ती आदि फिक्की के जिम्मेदार सदस्यों ने इस बैठक में शिरकत की। फिक्की की इस बैठक में मतदाता अधिक से संख्या में मतदान करे इस विषय पर खास चर्चा की गई और साथ ही फिक्की के इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान भी किया गया। जो लोग वोट नहीं डालना चाहते या वोट की वो नहीं समझते इम्पोर्टेंस, बाहर के प्रोग्राम बना दिए, तो हम लोगों ने भी मेरठ के सर्कल में कई लोगों का रुकवाया है कि वोट आप चाहे किस मर्जी को दो लेकिन वोट दो, और जब हम रोकेंगे अपने लोगों को तो निश्चित तौर पर उसमें से अधिकतर वोट हमारे खाते में आएंगे। तो वोट अगर हम नहीं डालेगा तो हमारी सारी जो है कवायद सब बेकार चली गई। एक कुछ लोगों में भ्रम है, इस बात का भ्रम है कि कैंडिडेट हमारे पास नहीं है, इस बात की नाराजगी है हमारे लोगों में कि भाई खासतौर से हमारे कांग्रेस मैंडेट जो लोग हैं कि कुलदीप कुमार जी हमारी तरफ नहीं आए, कोई बैठक नहीं थी, कोई नाम नहीं हुआ और केवल आम आदमी पार्टी वालों को पूछते रहे। तो हमें अपने कांग्रेसी भाइयों को भी समझाना है ऐसा नहीं है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन बड़ा चुनाव है, बड़ी सीट है, सब जगह जाना, हर गली में जाना, हर मोहल्ले में जाना संभव नहीं होता। ये निगम का चुनाव तो है नहीं कि हर रोड पे आदमी कर लेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जब वो जीत के आएगा तो निश्चित तौर पे हमारा ही प्रत्याशी होगा, हमारा ही कैंडिडेट होगा, हमारे गठबंधन का ही है, और वो जीत के आएगा खाली अकेला, वो कैंडिडेट नहीं जीत के आएगा, बूंद बूंद से सागर भरेगा। एक एक सीट की इम्पोर्टेंस है इस समय, लड़ाई जो सरकार बननी घट रही है, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, इनकी सीटें बहुत घट रही हैं, घट रही हैं और हमारी सीटें बढ़ रही हैं काफी, और बहुत इसमें जो है झगड़ा झंझट इतना ही रहेगा कि 10-20 सीटों का ऊपर नीचे रहेगा। तो एक एक सीट की कीमत है और उस एक एक सीट में हमारे एक एक वोट की कीमत है, तो हमें अपने वोट को जाया नहीं जाने देना है, अपने परिवार की जैसा कि बताया भी माताओं बहनों को भी हमने भेजना है कि वोट की ही अगर आपने चाहे कुछ करें या ना करें वोट जरूर देंगे। और मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और राजनीतिक बात बोलने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सब लोग एक ही विचारधारा के बैठे हैं, तो किसी को कुछ कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या माहौल चल रहा है देश में और 10 सालों में इनकी वजह से हम लोग क्या क्या नुकसान हुआ है, किस किस तरह से देश में नफरत का माहौल बढ़ रहा है, तो ये सब मुझे लगता है बातें करना निरर्थक है, हम लोग सब उसको जूझ रहे हैं, झेल चुके हैं। आज की जो बैठक हुई है वो देश की हित के नहीं है, देश की भलाई के नहीं हुई है, भाईचारे के नहीं हुई है, जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को बहुत तोला जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लगाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों की बात की जा रही है, तो वो एकता के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए आज सभी धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो अपने हिंदुस्तान से अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उन लोगों ने अपील करी है जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, भारत जोड़ने की बात कर रहा है उसको वो वोट दें, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है उसको वोट ना दें। सभी देशवासियों से अपील करिए कि जो भारत जोड़ने की बात कर रहा है, गठबंधन जो गठबंधन है उसको वोट दें, चाहे वो झालू से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे अखिलेश की पार्टी से हो, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है उसको बिल्कुल वोट ना दें, जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है उसको वोट दें। तमाम देशवासियों से अपील करिए, तमाम धर्मों से अपील करिए, या तमाम धर्मों के लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि जो दोस्त देश को जोड़ता है उसी को वोट देना चाहिए, जो परिवार को तोड़ता है उसको वोट नहीं देना चाहिए। मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब को बहुत बहुत इनका मतलब शुक्रिया अदा करूँगा कि फिक्की के माध्यम से और जो तमाम पदाधिकारी हैं फिक्की के वो यहाँ पे मौजूद हैं और सभी धर्मों के यहाँ लोग मौजूद हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और जब यहाँ पे इस मीटिंग का जो उद्देश्य है जैसे भाई मेहरबान कुरैशी जी ने अभी बताया है कि ये जो देश को जोड़ने की बात करें, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको वोट ना दें, जो हिंदू और मुसलमानों को जुदा करने की बात करते हैं उनको वोट ना दें, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं उनको वोट ना दें,
जो देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, जो संविधान को बचाने की बात करें और जो गरीबों के हित की बात करें, मजदूरों के हित की बात करें, जो सभी धर्मों को गंगा जमनी तहजीब की बात करें, तो उसको वोट दें। तो इंडिया अलायंस है जिसमें एक गठबंधन है जिसके अंदर वो मोहब्बत की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को साथ ले जाने की बात करते हैं, और जो जो भी व्यक्ति जो गरीब है उसका उत्थान कैसे उसकी बात करते हैं। तो उस अलायंस के समर्थन पे ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे कुलदीप कुमार जी हैं, जो जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू का निशान है, जयप्रकाश अग्रवाल जी चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं, और तमाम जो अलायंस के दिल्ली के अंदर उम्मीदवार हैं उसको जिताने की के लिए यहाँ पे मीटिंग की गई है, और इंडिया अलायंस को वोट करें इसी उद्देश्य में फिक्की ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। देखिए आज ये जो फिक्की के माध्यम से यहाँ जो मीटिंग हुई है, एक बैठक हुई है, मुश्ताक डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने की है, ये इलेक्शन के ताल्लुक से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि जो चुनाव हमारा 2024 चल रहा है, तो उसके ताल्लुक से जो पूरे देश के अंदर पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, और कोशिश उन्होंने ये की है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश की है, दूसरे वो चाहते हैं कि हम देश के जो आईन है, देश का जो कानून है, उसको बदल दें, और जैसे मनमानी है वो चाहें वो करते रहे हैं। आज वो उसके ख़िलाफ़ अगर इंडिया गठबंधन खड़ा है, अपोजिशन पार्टियाँ सारी इकट्ठी होकर लड़ रही हैं, तो ये हिंदुस्तान को बचाने की बात है, ये देश को बचाने की बात है, और हमारे जो कानून है उसको बचाने की बात है। अगर आज हम मुत्तहिद होकर, आज हम इकट्ठे होकर, एकजुट होकर अगर उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो हमारा देश नहीं बचेगा, ना हमारा संविधान बचेगा। तो मैं समझता हूँ, मैं आज अपील करना चाहता हूँ फिक्की के माध्यम से और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जानिब से, कि तमाम हमारे जो दिल्ली की जनता है वो सातों सीटों के ऊपर जो इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं उनको कामयाब बनाएँ, और वक्त से पहले सुबह सबसे पहले घरों से निकल के वोट परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारी जीत है। होता यह है कि हम लोग वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पाते हैं और हमारी कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है, तो इस ये जीत का कारण हमारा हमारी वोट परसेंटेज होगी। तो दिल्ली के तमाम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में उस दिन ना बैठें, वो बाहर आकर वोट करें, और वोट करने का जो एक हमारा हमें जो हक दिया गया है उसका वो सही तौर पर इस्तेमाल करें। आज की कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली के मौजूद लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, बहुत सारी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो सब यहाँ पर एक मीटिंग जो मुनाकद की गई फिक्की के द्वारा, ये एक बहुत अच्छा कदम था, और इसमें गठबंधन के लिए जो है सबसे अपील की गई कि भाई वो उसको वोटिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें वोटिंग होनी चाहिए, परसेंटेज बढ़नी चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल पाते। इसी के लिए इस बात पे जोर दिया गया कि अपने घरों से, अपने महलों से वोटर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेदार करें और उनको जगाएं, ताकि वो सही टाइम से वोट कर सकें। देखिए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि सबसे पहले तो जैसे कि हम रेगुलर चल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है कि वोटिंग अवेयरनेस हम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि वोट किसको हो किसको ना हो, वो लोग समझदार हैं, सब जानते हैं, और मकसद भी लोग जानते हैं कि किसको पोलिंग होनी है किसको नहीं होनी है। असल चीज़ है कि वोटिंग पूरी पूरी हो जाए। हम घबरा जाते हैं कि धूप से घबरा जाते हैं, गर्मी से घबरा जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सुबह सुबह के उठ करके जाएँ, वोट डाल करके आएँ। दूसरा तरीका ये है कि शाम को अगर जाएँ, तो शाम को एक बार अगर हम कंपाउंड के अंदर आ गए, तो चाहे अगला दिन हो जाए हमारी पोलिंग होनी है। एक चीज़ से ना घबराएं। असल में होता क्या है कि जब किसी पार्टी को, ऐसी पार्टी को जो रूल करना चाहती है, जो डिक्टेटरशिप करना चाहती है, उसको ये लगता है कि मुझे जमा रहना है, तो वो कुछ ऐसे इलाकों में पोलिंग को सुस्त करा देते हैं जिन इलाकों में उसके मुखालिफ पोलिंग होती है। तो ये एक सोची समझी साजिश होती है। अगर उससे घबरा गए हम तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उससे नहीं घबराना है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को भी समझाना है कि पोलिंग आपका एक अधिकार है, अगर ये नहीं आप करेंगे तो ये अधिकार आपसे एक दिन छीन लिया जाएगा। उनको भी समझाना है, और लोगों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करनी है कि कहीं कहीं पे जैसे आप दिल्ली में इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन में किस कैंडिडेट का क्या सिंबल है, हम दूसरा सिंबल तलाश रहे हैं, तो उस सिंबल को तलाशने में लोगों को परेशानी आती है, वो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि सिंबल कहाँ पर तलाशना है, कैसे तलाशना है। एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी जो औरतें होती हैं वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से, घर के काम की वजह से, बच्चों की वजह से। औरतों को समझाएं कि आप इस देश का भविष्य औरतों से बनता है।
अगर औरतें पोलिंग करेंगी तो आगे की नस्लें पोलिंग करेंगी, अगर औरतें पोलिंग नहीं करेंगी तो आगे की नस्लें समझ जाती हैं कि पोलिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं। ये देश कभी भी, देश समाज कभी भी, कल्चर कभी भी जो बना है वो औरतों से बना है। जैसे देश घर की औरत होगी वैसा घर होगा, जैसे देश की औरत होगी वैसा देश होगा, जैसे समाज की औरत होगी वैसा समाज होगा। तो ख़ास तौर से औरतों को इस बारे में ध्यान रखना है कि उन्हें अपने पोलिंग राइट का इस्तेमाल करना है। और झांसी की रानी अब बनना मुमकिन नहीं है, अब तलवार से नहीं बना जाता झांसी की रानी, अब बना जाता वोट से। तो वोट से आप झांसी बनिए, आप वोट से चांद बीवी बनिए, आप वोट से रज़िया सुल्तान बनिए, बनिए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपना हक का इस्तेमाल कर पाए तो ही आप इस देश के लिए कुछ अच्छाई बुराई की बात कर सकते हैं, वरना अच्छाई बुराई की बात करने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए, आज ये मीटिंग हुई है जो मुश्ताक अंसारी साहब ने कराई है फिक्की के बैनर तले, ये एक बहुत कामयाब मीटिंग हुई है और इसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इसमें इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करी गई है। हम भी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग, पूरी दिल्ली के लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें, पूरे हिंदुस्तान के लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें, क्योंकि वही मुद्दों की बात कर रही है। बाकी फ़िरका परस्त ताकतों को अपना वोट ना दें, जो आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसे लोगों को वोट ना दें। और सेकुलर लोगों को वोट दें जो कि आपस में भाईचारे की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, उन लोगों को वोट दें। बाकी किसी भी फिरका परस्त ताकत को वोट ना दें। हमारी इस सीट पर मोनू जी हैं, कुलदीप सिंह मोनू। मैं सभी से अपील करता हूं कि कुलदीप सिंह मोनू को वोट दें। यहां पर मुश्ताक अंसारी साहब की के माध्यम से उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये मुल्क की सालमियत के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, ये सब उन फ़िरका परस्तों के लिए है जो मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब करते हैं। यहाँ सिर्फ इंसानियत और इंसानों वाली बात हुई है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा बीजेपी सरकार के लिए और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार जो है तो एक समुद्र है और बीजेपी सरकार जो है तो एक तालाब के मानिंद है। तालाब तो भर जाते हैं बरसात में अक्सर, आपे से कभी बाहर समंदर नहीं होता।